तो यार फिलहाल तैयार हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं। मैं हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जाओ, फिलहाल सुबह सुबह ही व्लॉग अपलोड किया। भाई आज तक व्लॉग में इतना देर लगा दी अपलोड होने में, तो लगभग 3 घंटे लगा दिए है अपलोड होने में। तो फिलहाल अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो घड़ी 9:15 बजी है। हाँ, तो फिलहाल दूध तो गर्म कर लिया है और रात की खिचड़ी बची थी, तो इसमें दूध डाल के आज खाऊंगा। तो ऐसे ही रात की जो भी खिचड़ी बची है दूध नाइट डाल के खा लेने का। और फिलहाल यहाँ पर तो मम्मी फिलहाल काम कर रही है और आज संडे है, तो इसी के लिए आज तो पूनम सुबह सुबह रोटी बना रही है। सब्जी भी काट दी है, टमाटर और क्या है आलड़ी, हाँ वही है, तो हाँ आल बोल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार खाना बनेगा, उससे पहले मैं खिचड़ी खाता हूँ। तो भाई आज एक स्पेशल डे है, स्पेशल डे ये है कि आज हमारे एक और भगवान जी के वहाँ पर खीर है, क्योंकि एक पहले थी खीर वहाँ पर, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, पर एक और है मंदिर जो कि काफी बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर आज चलेंगे शाम को। तो भाई देखो फिलहाल घड़ी 1:30 बजने को आई है, देखो घड़ी 1:15 तो बज चुकी है। तो अभी 3 घंटे से भाई लाइट गई हुई है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। और लाइट गई थी हमारे यहाँ पर थम्बा है पास में, जो कि तार पर ये पेड़ पौधे अटक रहे थे, तो उसको पेड़ पौधों काटा, तो इसीलिए लाइट बंद है। तो फिलहाल थोड़ी देर में आ जाएगी। फिलहाल मैं अभी नीचे गया था तो वापिस आया हूँ। आज शाम को बेस्ट प्रोग्राम है, आप सभी को पता ही होगा, जो हमारा पूरा गांव का एक प्रोग्राम होता है। और आज वहां पर बाटी नहीं होगी, खीर होगी, तो खीर के चलते हम वहां पर चलेंगे। तो वहां पर मंदिर भी काफी बढ़िया है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो भाई जाओ फिलहाल 4:30 बजे और अब मैंने नहा लिया, तो अब जस्ट वगैरह नहा लिया और आज का व्लॉग पूरा हमारा भगवान जी के ऊपर ही बनेगा। तो इसीलिए आज मैंने हमारा डेली लाइफ का व्लॉग काफी ज्यादा कम बनाया, तो कोई बात नहीं है फिलहाल। तो अब फिलहाल मम्मी थी यहाँ पर अपना भैंस के लिए खाना तैयार कर रही है, और पूनम फिलहाल जा रही नहाने के लिए, क्योंकि मैं भी नहा के आ गया, तो अब ये जाएगी। और आज हमारे घर पे दीपक जी आए हैं, तो वैसे कल इसका मैच है कबड्डी का, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन पहले से ही, क्योंकि अरे तो कल इसका क्या है एक कबड्डी में है मैच है, जो कि हमारे स्कूल में ही है, तो वहाँ पर टीम आएगी, तो उसी चलते खेलेंगे कल। तो ट्रॉफी है, हाँ ट्रॉफी भी है। तो फिलहाल तैयार हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं। मैं पापा जल्दी तैयार हो रहे हैं, तो लो हाँ। फिलहाल दीपक जी मैंने अपना बड़ा सा कटोरा ले लिया है। अच्छा हाँ, वो खीर क्या इतनी गर्म होती है भाई, उकलती हुई खीर देते हैं, तो ठंडी करने के लिए थोड़ा बड़ा कटोरा लेना पड़ता है। मतलब हाँ चौड़ा है, मेरा भी ऐसा ही कुछ है, अभी पड़ा है अंदर, ये बात तो इसने ले लिया है, तो चलते हैं। तो गाइस अब फिलहाल निकल चुके हैं, निकल चुके जोश जोश के साथ और दम के साथ, हाँ खीर पीने के लिए, क्योंकि आप नहीं है ना हैरा केतली दे है लेरा आज। अभी मैं दीपक पूनम मम्मी और पापा सभी जन निकल चुके हैं, तो चलते हैं। वीडियो बनाना पड़ता है, जनता को देखना पड़ता है। अरे अन्याय थोड़ी है यार, तो अब फिलहाल चलते हैं एक बार, ये नया रास्ता है। चल ही रहे हैं हम, चलेंगे और चल ही रहे हैं। तो जब फिलहाल खीर पी ली है सभी ने, तो वहाँ पर सामने मंदिर है, तो वहाँ पर प्रोग्राम था, तो अब फिलहाल एक बार तो चलते हैं, एक बार घर पे पूरा प्रोग्राम हो चुका है, तो इसी के चलते हैं। भाई जब फिलहाल आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, और आप सभी को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई तालाब, जो कि मैंने पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, एक पूरा वीडियो जिसमें आपने अच्छा ही रिस्पॉन्स देखा है। तो ये वो तालाब है, ये वही तालाब मैंने खींचा था फोटो उस तरफ से, ये मैं इस तरफ आया हूँ, वो पीछे की तरफ सभी आ रहे हैं, तो चलते हैं घर पे। अभी फिलहाल थोड़ी बहुत खीर ले ली है, और खीर थोड़ी बहुत प्रसाद, खीर तो मम्मी के पास है इसीलिए,
और दीपक यहाँ पर फिलहाल खीर पीते हुए चल रहा है। इसके इधर कटोरे में पहले से खीर है, पीते हुए चल। तो गाइस फिलहाल मैं आया हूँ घर पे, घर पे तो पहुंच चुका हूँ और दीपक हम दोनों मस्त यहाँ से आए। पूनम भी आई है जो कि देखो ऊपर देखो भाई इतना मस्त नजारा हो रहा है गजब का। तो गाइस फिलहाल हमें नजारा कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि भाई इतना मस्त हो रहा है, पर अभी मेरे को एक काम है तो जल्दी से घर पे चलता हूँ। तो गाइस सबसे बड़ा खुशखबरी का दिन है, सबसे बड़ा खुशखबरी का दिन ये है कि आज तो हमारे प्रोग्राम में गए, और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज है कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच आ रहा है जो कि भाई बहुत ही खतरनाक मैच और स्पेशल मैच है भाई। पूरा भारत अभी यही मैच देख रहा है, अभी मैं गारंटी से कह सकता हूँ पूरा भारत यही मैच देख रहा है क्योंकि ये हमारे बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। इसीलिए फिलहाल मैच तो स्टार्ट हुआ है लेकिन ये खत्म होगा रात की 12-1 बजे, तब तक भाई बहुत ही जबरदस्त मजा आ जाएगा। तो भाई जब फिलहाल खाना खा लिया है तो इस लोग में बस इतना ही, अब फिलहाल मैं तो मैच इंजॉय कर रहा हूँ, तो देखते हैं कल सुबह पता चलेगा इंडिया जीती या पाकिस्तान, तो उस तब पता चलेगा। तो इस लोग में बस इतना ही, तो अब मिलते जल्दी नेक्स्ट लोग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।